आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है एसए 24x7 न्यूज़ में। गच्ची बोली पर मौजूद तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल टीम्स में लापरवाही उरूज पर, हुकूमत तेलंगाना पर सवालिया निशान। कोविड की वजह से आवाम काफ़ी परेशान, लेकिन टीम्स मैनेजमेंट में कोई पुरसान हाल नहीं। एक मरीज के घर वालों का कहना है कि जब ये लोग टीम्स को कॉल किए और बेड है या नहीं पूछने पर बेड अवेलेबल है कहा, लेकिन जब ये लोग इनके मरीज को लेकर रात 2 बजे टीम्स पहुँचे तो इन्हें बेड नहीं दिया गया और कहा गया कि ये सिर्फ मरीज़ को हॉस्पिटल लाने के लिए एक जुमला है और मरीज़ को बाहर कुर्सी पर बिठाकर ऑक्सीजन लगाया गया। जबकि दूसरे मरीज के घर वालों का कहना है कि उनके वालदा 2 दिन कबल टिम्स में इंतकाल हो गया, तब उनके पास एक स्मार्टफोन और उनके कान में सोने के इयररिंग्स मौजूद थे, लेकिन जब इनकी नाश दी गई इनके इयररिंग्स और मोबाइल फ़ोन गायब था। पूछने पर मैनेजमेंट इन्हें धमकियाँ दे रहा है, जिसके बाद इन लोगों ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। हुकूमत और हेल्थ मिनिस्टर को चाहिए कि टिम्स हॉस्पिटल का दौरा करें और मैनेजमेंट की लापरवाही का जायजा लें। आगे की तफसीलात सुनिए उन्हीं के घर वालों की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे हमारे आंटी को यहाँ पे शिफ्ट किया था, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम था, बल्कि 23rd नाइट को हम लोग यहाँ पे 11 बजे शाम में 4-5 बजे लेके आए, रात में 11 बजे हमको बेड इशू करे यहाँ पे। सेकेंड डे हमारे को किसी को मिलने नहीं दिया यहाँ पे, बाहर भी ठहर रहे तो पुलिस वाले और डीएन के हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वाले जो केयरिंग स्टाफ है वो लोग सब हटा दे रहे हैं यहाँ से, ना पेशेंट के पास में किसी को जाने दे रहे हैं ना मिलने दे रहे, उनको पेशेंट्स को जो अंदर ना पानी दे रहे ना खाना दे रहे। अगर यहाँ से हम कुछ भिजा रहे हैं तो वो पेशेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक रास्ते में ही पूरा गायब हो जा रहा है। मैं हमारे आंटी के लिए उनको हेल्थ कैसी है देखने के वास्ते एक नया फ़ोन खरीद के लेके दिया था उनको, मैं व्हाट्सअप फ़ोन लेके दिया था वो, लेकिन वेरी सेकेंड डे दैट 27th के दिन अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को हमारे को हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि शी इज़ नो मोर बोल के। हम इमीडिएट 5 मिनट में हम कॉल किया तो फ़ोन जो है हमारा स्विच ऑफ है। एक स्लिप के ऊपर में टाइम लिखा हुआ है 5:15 और दूसरे स्लिप के ऊपर में लिखा हुआ है 11 o'clock, तो अब ये दोनों में से सही टाइम कौन सा है, वेदर शी हैज़ एक्सपायर्ड ऑन 5:15 और एट 11 o'clock। या अगर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर यहाँ के डॉक्टर्स का और यहाँ के ऑफिशियल्स का है तो आगे दूसरे पेशेंट्स का क्या हाल होगा। हमारे पेशेंट के पास से कान के बालियाँ निकाली और अभी तक मेरे को फ़ोन भी ट्रेस आउट नहीं हुआ। मैं यहाँ तक रिक्वेस्ट किया कि मेरे को गोल्ड का मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को खाली मेरा मोबाइल चाहिए वापस, क्योंकि वो मैं उस पर वीडियो कॉलिंग मोड के ऊपर में मैं रिकॉर्डिंग मोड पर रख के दिया था, मेरे को उनका देखने का है। मैं उसके लिए मैं 4 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू फिर रहा हूँ, मैं आ जाओ कल आओ 2 दिन के बाद में आओ 2 दिन के बाद में आओ। आज हम लोग यहाँ पे अंदर आके ठहरे तो हमारे को धक्के मार के लिया था यहाँ से बाहर निकाले, जब हम लोग जाके गच्चीबौली पीएस में हम लोग कंप्लेन किए फिर यहाँ पे हॉस्पिटल पे आए तो फिर वही हालत है कि हम आपको 2 दिन के बाद में बोलेंगे। बल्कि पुलिस वाले क्या बोले आप लोग को? पुलिस वाले बोल रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे उसके बाद में देखेंगे, बल्कि अगर आपको 2 दिन में नहीं मिला तो फिर वहाँ से हम इंक्वायरी करेंगे। हॉस्पिटल का स्टाफ बोलता आप लेटर लिख के दो, क्या हॉस्पिटल वालों को ये नहीं मालूम है हम 4 दिन से यहाँ पे किस वजह से आ रहे हैं। ये दवाखाना किधर है, कौन से एरिया में आता है? ये दवाखाना गच्चीबौली है, गच्चीबौली स्टेडियम में आता है ये। लास्ट ईयर इसको टिम्स में कन्वर्ट किए थे, या COVID-19 के लिए हॉस्पिटल कन्वर्ट किए इसको लास्ट ईयर जब कोविड आया था उस टाइम से यहाँ पे पेशेंट्स होकर है। ये पूरे स्टेडियम को जो है हॉस्पिटल के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी आप क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं तेलंगाना? अब हम जो भी गवर्नमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खैर हमारे जो भी हमारे रिलेटिव थे जो चले गए सो चले गए, वो तो वापस नहीं आते, लेकिन जो दूसरों के रिलेटिव्स है, किसी के मदर है, किसी के फादर है, किसी के ब्लड रिलेशन वाले है, कम से कम उन लोगों का तो जो जरा हिसाब से केयर टेक किया जाए, उन लोगों को तो बचाया जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप जरा पेशेंट्स को पहले केयर कीजिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंदर आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, कम से कम एक अटेंडर को दिन में एक बार तो जाके अपने पेशेंट से देखने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। रात के 2 बजे आए थे, ऑक्सीजन कम हो गया बोल के, ऑक्सीजन आया तो लेके आया तो फ़ोन करे तो है बोल के, बोले बेटा बेटा हो गया है बोल तो हम लोग लेके आए थे बोल तो हम लोग खाली बोलने के लिए है। हॉस्पिटल में लाए आप लोगों ये टिम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली का? गच्चीबौली लेके आए बंदे, क्या हुआ उन लोग को बोले तो हम लोग खाली बोलने के लिए बोलना पड़ता ऑर्डर से, यहाँ आए बंदे कुछ भी नहीं देख लेना बोल के बाहर बिठा दिया पेशेंट को, और रिस्क पर नाम लिखा ले रहे कि कुछ भी हो गया तो हम तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल के लिखा ले रहे, ठीक है बोल के फिर भी साइन करके रखे तो ऑक्सीजन लेके बाहर बिठा दिए। सुबह से नहीं कुछ भी मेडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, रात को 9 फिर 10 o'clock कोई तो भी आके कोई तो सीनियर आया तो
जान दो बोल के दिए एडमिशन दिए बाद में वहाँ पे गए तो 3 बजे तक फूड नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं दे रहे, पानी का वाटर बॉटल भी नहीं है उनके पास। आपको मिलने दिए पेशेंट से? पेशेंट से मिलने कुछ भी नहीं है, रिसेप्शन के बाद छोड़ के चल जाओ बोल रहे। बात कर दिया, बात बात करने को भी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पानी का नहीं, कुछ भी नहीं ऑप्शन है, फोन है लेकिन उनको चलाना तो नहीं आता, कभी कभी फोन कर रहे, कभी कहीं कर रहे, खाने को तो नहीं आया बोल के बोल दिया उन्होंने, उनको मेडिकेशन फूड नहीं देता, उनको कैसा देते, ऑक्सीजन नहीं, वो क्या है ऑक्सीजन ठीक है चल रहा थोड़ा बहुत आ रहा, लेकिन ऑक्सीजन भी करेक्ट लेवल पे देना पड़ता, ज़्यादा दिए तो भी प्रॉब्लम है, कम दिए तो प्रॉब्लम है, कोई चेक करने वाला नहीं है, सिस्टर वो बुलाओ, कोई भी बुलाओ, कोई भी नहीं आ रहे करते, उनको एज ज़्यादा है उनका, एज ज़्यादा है तो कैसा रहता है इंसान, चलने को भी नहीं आता उनको सीधा, कोई कोई देखना रहा तो आना ब्लड, वो कुछ भी टेस्टा दिखाते हो, टेस्टा कुछ भी ना करो, तुम क्या आए लिख के दे दो बोल के बोल रहे, टेस्ट कराना कुछ कराना, नॉर्मल जो गोलियां तो करोड़ा पेशेंट आते हैं, बस जो गोलियां आते हैं वही दे रहे करते, कुछ भी इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं, डॉक्टर बात नहीं करे अभी तक, कोई भी बात नहीं करे अभी तक, और रिपोर्ट फोन कर रहे थे रिसेप्शन, कोई भी नहीं उठाता फोन। तो आप सर को कोई मैसेज देना चाह रहे? प्लीज आके देखिए पेशेंट कैसे चल रहे यहाँ पे, आके देख के, अगर देखो खाली बोला ले रहा था खाली कि कुछ भी हम लोग इतना खोले बोल के, खोले तो जरा काम करो, जरा सीधा करो बोल के बोलो, जरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इतना फैसिलिटी लगा के रखे, काम करने वाले भी रहना ना, वो नहीं है तो कैसा पेशेंट को ले रहे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहना गवर्नमेंट को। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।